ग्वालियर जिले की महिलाओं के लिए यह बेहद ही खास खबर है, क्योंकि शहर में आए दिन ऑटो और टेम्पो वाहनों में अश्लील और भड़कीले गाना चलने की वजह से महिलाओं एवं युवतियों को परेशान होना पड़ता है। इसको लेकर अब परिवहन विभाग ने शहर में चल रहे ऑटो और टेम्पो में साउंड सिस्टम को प्रतिबंधित कर कार्रवाई की तैयारी कर ली है। 31 मार्च तक साउंड सिस्टम हटाने का अल्टीमेटम जारी किया गया है। दरअसल आरटीओ को लंबे समय से महिलाओं व युवतियों से शिकायत मिल रही थी कि शहर में ऑटो और टेम्पो चालक भद्दे गाने बजाते हैं, जिसके बाद आरटीओ ने महिलाओं की समस्या दूर करते हुए यह कदम उठाया गया है, जिसके तहत सभी ऑटो टेम्पो वाहन स्वामियों को 31 मार्च तक गाड़ियों से साउंड सिस्टम हटाने होंगे। नहीं हटाए जाने की स्थिति में 1 अप्रैल से अभियान चलाकर ऐसे सभी वाहनों पर कार्रवाई की जाएगी। साथ ही ऐसे चालकों का लाइसेंस व वाहन का परमिट भी निरस्त किया जाएगा। नहीं बिल्कुल, इसमें हमें कई शिकायतें मिल रही थी, महिलाओं की तरफ से भी शिकायत आती थी और बच्चियों की तरफ से भी शिकायत आती थी कि ये जो ऑटो वाले हैं ये स्कूल कॉलेजों के पास खड़े हो जाते हैं या अन्य किसी चौराहे के पास जो अपने पार्किंग में खड़े रहते हैं। तो जब भी कभी महिला निकलती है या बच्चियां निकलती हैं तो ये तेज़ आवाज़ में इस तरह के फिल्मी गाने चलाते हैं जिनको कि असहज महसूस करती हैं महिला और बच्चियां। तो पहले भी जब मैं पहले था तब इसकी एक मुहिम चलाई थी और सारे इनमें से रिमूव कर दिया था। अब आने के बाद फिर से इनकी ये कंप्लेंट आई है, तो अल्टीमेटली हमने इनको टाइम दिया है 1 तारीख तक का कि 31 तारीख तक ये लोग अपने इनमें अगर कोई इस तरह का साउंड सिस्टम है तो वो निकाल लें। अगर इसके बाद भी नहीं निकालते तो 1 तारीख के बाद फिर हम रेंडमली चेकिंग करेंगे और जिस भी वाहन में लगा हुआ इंस्ट्रूमेंट मिला, भले ही वो बज रहा है या नहीं बज रहा है, हमें इससे मतलब नहीं है, अगर वो लगा हुआ है तो फिर उस चालक का लाइसेंस कैंसिल होगा, उस गाड़ी का परमिट कैंसिल होगा। ऐसी कोई भी गाड़ी जो कि नियमों के उल्लंघन में इस तरह की बदतमीजी करती हुई पाई जा रही है उसको चलने का अधिकार शहर के अंदर नहीं है। ऑटो की संख्या लगभग 9,500 ऑटो हैं जो कि शहर में चलते हैं और टेम्पो की संख्या भी लगभग 2,000 के लगभग है। तो इन सभी पे ऐसा नहीं है कि सभी में लगे हों, लेकिन कुछ संख्या में तो ये अवश्य लगे हुए हैं, तो इनको पहले अवसर दे रहे हैं और उसके बाद अगर नहीं मानते हैं, आपके चैनल के माध्यम से भी मैं इनसे अपील करना चाहता हूं कि एक सभ्य समाज है और उसमें सभ्यतापूर्वक ही पेश आएँ और इस बात का ध्यान रखें। उनके भी घर में बहू बेटियां हैं और उनकी उनको असहज महसूस ना हो, इस तरह की कोई भी गतिविधि नहीं करें, वरना अगर हमें कंप्लेंट भी मिल गई किसी की तो हम उस कंप्लेंट के आधार पर ही उसका लाइसेंस और उसका परमिट कैंसिल कर देंगे। इसमें किसी भी प्रकार की कोई उसको रिलैक्सेशन मिलने वाला नहीं है। शहर में वर्तमान में 9,500 से अधिक ऑटो व 2,000 से अधिक टेम्पो चल रहे हैं। ऐसे में सभी टेम्पो ऑटो स्वामियों को सूचित कर दिया गया है कि 31 मार्च तक वह स्वयं ही अपने वाहनों से साउंड सिस्टम को हटा ले, नहीं तो 1 अप्रैल से ऐसे वाहनों पर केंद्रीय मोटरयान नियम 1989 के नियम 21 के अंतर्गत अपराध मानते हुए कार्रवाई की जाएगी।